कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है। फिर भी डर गए तुम लोग? कल आम आदमी पार्टी हो सकता है ना हो, आज बीजेपी है कल बीजेपी हो ना हो, आज केजरीवाल है कल केजरीवाल नहीं होगा, आज मोदी जी हैं कल मोदी जी नहीं होंगे, कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है। क्या कायर हो यार, ये तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाकर। पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, इन्होंने क्या दिया आपको? बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा, इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी, वोट डाल के जनता अपनी सरकार चुनेगी, वो सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बीजेपी को ये पसंद नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव होने ही नहीं चाहिए, चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से, चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर एमसीडी का और बीजेपी वालों का। शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है 15 साल के अंदर, इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे 9 तारीख को 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से, ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव वुनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा इसका क्या मतलब? वो बोले जैसे एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते, एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है, बोले जी एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय इनका बस चलना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दें ये। इसलिए ये नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोगों ने साथ, क्यों नहीं तुम लोग यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया 7 साल से? चुनाव के 1 घंटे पहले तुम लोग चिट्ठी लिख रहे हो, अब सो के जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे? तो यूनिफाई नहीं करना, चुनाव टालने हैं क्योंकि हार रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हार जीत लगी रहती है, कभी ये पार्टी हारती है कभी वो पार्टी हारती है, कभी आज बीजेपी हारती है कभी आम आदमी पार्टी भी हारती है कभी कांग्रेस हारती है। देश बड़ा है, देश की सोचो। आज आम आदमी पार्टी है कल आम आदमी पार्टी हो सकता है ना हो, आज बीजेपी है कल बीजेपी हो ना हो, आज केजरीवाल है कल केजरीवाल नहीं होगा, आज मोदी जी हैं कल मोदी जी नहीं होंगे, कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है, कौम बड़ी है, समाज बड़ा है। देश को नहीं झुकने देना, देश को नहीं टूटने देना, देश को नहीं किसी भी हालत में देश पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हम यूनिफाई करना चाहते हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को,
कि हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई कर रहे हैं इसलिए चुनाव टाल दो। चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया। कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, अब जनता कह रही है ये गुजरात हारेंगे। अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो। गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है, फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने, क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, नेता बाहर आता कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे, घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, YouTube पे क्यों नहीं डाल। कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया, आंखें खोलो क्या कर रहे हो तुम लोग। वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए।
क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की, सारे बोले वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। एक साल के बाद फिर आया भाई तीनों कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी क्या। इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया, क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो दारू की। अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है अब दारू की दुकानें। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब मेरे छोटे भाई बड़े भाई, विदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार, थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था, इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था, इन्होंने क्या दिया आपको, आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा, केजरीवाल काम आता है आपके, आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है, दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, आपके घर में कोई बीमार हो केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता, केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलके, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। कल एलजी साहब की स्पीच पूरे देश ने सुनी, एलजी साहब को एक तरह से केंद्र सरकार का नुमाइंदा माना जाता है, एलजी साहब ने भी हमारी सरकार की कितनी तारीफ करी, 50% जीडीपी 5 साल के अंदर बढ़ गया, भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं हुआ, इतने शानदार काम दिल्ली सरकार ने किए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी साहब ने भी दूसरी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की भूरी भूरी शब्दों में तारीफ की। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।